राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब पेच विभागों पर जाकर फंसा है कि आखिरकार विभाग का बंटवारा कब और कैसे होगा और किसको कौन सा विभाग मिलेगा। और सबकी नजर अब गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय पर टिकी है कि आखिरकार वित्त मंत्री कौन होगा, गृह मंत्री कौन होगा। इस बीच कुछ जानकारों का कहना है कि वित्त, गृह मंत्रालय और कार्मिक तीनों भजनलाल अपने पास रखना चाहते हैं, तो वही जानकारों की माने तो दिया कुमारी वित्त या गृह विभाग अपने पास रखना चाहती है। ऐसे में मामला और पेच यहीं पर जाकर फंसा है कि आखिरकार विभागों का बंटवारा कब तक और कैसे होगा, और यदि तीनों विभाग सीएम भजनलाल अपने पास रखेंगे तो कहीं ना कहीं भजनलाल के लिए चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में तीनों विभाग पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पास रहने पर बीजेपी के निशाने पर हमेशा गहलोत रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी हमेशा गहलोत पर हमलावर रही थी, तो ऐसे में अब देखना यह है कि तस्वीरें क्या होगी। राजस्थान में कुल 22 मंत्रियों ने शपथ ली है। 22 मंत्रियों में से कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में 12 नेताओं के नाम है। इनमें किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खीवसर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीना, कन्हैया लाल चौधरी और सुमित गुदारा का नाम है। अब उनके विभाग और मंत्रालय को लेकर चर्चा तेज हुई है। दरअसल इस बार भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत कई नए चेहरे पहली बार मंत्री बने हैं। अब ऐसे में महत्वपूर्ण मंत्रालयों और विभागों को लेकर रस्साकसी भी तेज हो चुकी है कि किसके पास कौन सा विभाग होगा। इसको लेकर दिल्ली से जयपुर तक तेज मंथन है। मंथन और चिंतन ये कि गृह, यूडीएच, वित्त और स्वास्थ्य, इन चार मंत्रालय को प्रमुखता के साथ मजबूत मंत्रियों को दिया जा सकता है। ये भी साफ हो रहा है कि क्या इस बार मुख्यमंत्री के पास में वित्त और गृह दोनों मंत्रालय रहेंगे या किसी मंत्री को दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ और एमपी का मॉडल अपनाया जा सकता है। पहले अशोक गहलोत ने अपने पास वित्त और गृह दोनों मंत्रालय रखा था, लेकिन वसुंधरा सरकार में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया को बनाया था। सवाल ये भी है कि यहाँ पर क्या तस्वीर रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।